Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Again, I'm introducing myself to my new students. My name is Kinza Khan and I'm your science teacher in your fifth class. Welcome to the online classes. Today, we are going to start our next topic from chapter number 2. So, first of all, you have to open your books on page number 29. Here is your page number 29. And the topic is arthropods. Previously, we have discussed vertebrates and their classes. We have discussed mammals, reptiles, birds, fish, and amphibians. These are the five classes that are related to the vertebrates. Today, we are going to start our first class related to the invertebrates. If you have opened your page number 20, you can see the chart of the animal kingdom. हम तो देखें यहाँ से हम समझते हैं कि हमने एनिमल किंगडम को डिस्कस किया कि उसमें दो ग्रुप्स डिवाइड होते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में हम ये पांचों क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्टिब्रेट की फर्स्ट क्लास का जो कि है ऑर्थोपॉड ऑन पेज नंबर 29. सो हेयर इज योर टॉपिक ऑन पेज नंबर 29. द टॉपिक इज ऑर्थोपॉड्स. बेसिकली ऑर्थोपॉड्स इनवर्टिब्रेट की एक क्लास है जिसको हम इंसेक्ट्स रिलेटेड क्लास भी कह सकते हैं. ठीक है, डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है. उससे पहले हम लोग इंसेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बाकी क्लासेस में ये चेक किया कि इंसेक्ट्स का वर्टिब्रेट्स का हैबिटेट क्या होता है. तो इंसेक्ट्स का भी हैबिटेट देखें अगर तो वो कहाँ पर रहता है, हवा में भी होता है, पानी में भी रहता है somehow एंड लैंड पर भी रहते हैं. ठीक है, और उसमें ट्रीज भी आ जाते हैं. ठीक है, तो इन ये सारी जगहों पर इंसेक्ट रहते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास आंट्स हैं, बीटल्स हैं, बटरफ्लाई हैं. ठीक है, इसी तरह से और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, लेडी बर्ड है, ठीक है, हाउस फ्लाई है, हनी भी है. तो इन सब को डिस्कस करेंगे इस ऑर्थोपॉड के टॉपिक में. ठीक है, सो स्टूडेंट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग लेक्चर फॉर यू हेयर कम एन इंसेक्ट ऑन माई बुक. एक्चुअली इट इज़ प्रिटेंडिंग दैट इट इज डेड बट एक्चुअली इट इज़ नॉट डेड. आई हैव कैस्ट इट टू शो द बॉडी ऑफ अ लिविंग इंसेक्ट. ठीक है, तो ये एक्चुअली अभी ये डेड नहीं है. तो इसकी बॉडी को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बीटल. ठीक है, तो मोस्टली जो इंसेक्ट्स की बॉडी होती है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, नेक जिसको थॉरेक्स भी बोलते हैं एंड एब्डोमेन पार्ट. और इनकी जो लेग्स होती हैं वो सिक्स लेग्स होती हैं. मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी सिक्स लेग्स होती हैं. अगर इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके दिखाऊँ तो इसकी इन सिक्स लेग्स होंगी. You can check it out. One, two, and the hair is the third. ठीक है, if you can see it. And the head have two pairs of antenna. ठीक है, अभी ये dead नहीं है but it is showing it is dead. So, we have discussed an insect. You can go. So, now come back to the topic. So, we are discussing the arthropods. पहले तो हम लोगों ने habitat उनका discuss कर लिया कि वो कहते हैं कि ऑर्थोपॉड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स. के जो ये ऑर्थोपॉड की क्लास जो है, इंसेक्ट्स की जो क्लास है, कि बाकी तमाम एनिमल एज अ फूड भी इनको यूज़ करते हैं, मतलब एज अ फूड इनको खाते हैं बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ले लो वर्टिब्रेट्स में से. मोस्टली इंसेक्ट्स भी इंसेक्ट्स को खाते हैं. अगर हम बर्ड्स को डिस्कस करें तो वर्टिब्रेट की एक क्लास है बर्ड जो कि इंसेक्ट्स को भी खाती है. जैसे हमारे पास स्पैरो हैं, क्रो है, ईगल्स हैं, तो वो भी इंसेक्ट्स को खाते हैं. ठीक है, फिर कहता है दे आर ईटन बाय बर्ड्स, फिश, सम मैमल्स एंड इवन अदर ऑर्थोपॉड्स. मतलब इंसेक्ट्स में भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो कि इन्हीं इंसेक्ट्स को खाती हैं. सम प्लांट्स आल्सो ईट देम. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, जिनमें हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स, लाइक हमारे पास एक पिचर प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है. मैं आपको बाकी भी बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं. ओके, मैंने आपको एग्जांपल दी पिचर प्लांट की. ये पिचर प्लांट की एक टाइप है. ठीक है,
जो कि इन इन प्लांट्स को हम कार्निवर्स प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगर कोई फ्लाई वगैरह या कोई इंसेक्ट वगैरह यहाँ पर आके बैठता है तो ये फ़ौरन से अपना लिड को बंद कर देते हैं और इनकी बॉडी में यहाँ पर मौजूद होता है लिक्विड जिसमें वो फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट जो है वो डेड हो जाता है और जिसकी बॉडी को ये यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी तरह ये एक और टाइप है, ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट की। तो कहने का मकसद ये है कि बाकी भी जितने एनिमल्स हैं वो भी इंसेक्ट्स को खाते हैं और इवन के कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ऑर्थोपॉड्स की जो क्लास है वो आगे 5 और ग्रुप्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ओके, यहाँ से समझते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया इन्वर्टिब्रेट्स को। इन्वर्टिब्रेट की फर्स्ट क्लास है ऑर्थोपॉड जो कि आगे 5 सब क्लासेस में डिवाइड हो रही है, जो कि पहला है हमारे पास कहता है कि पहली जो क्लास है इंसेक्ट्स है जिसमें बीटल्स आती हैं, आंट्स आ जाती हैं, हनी बीज आती हैं, लेडी बर्ड, ठीक है, इस तरह के बाकी छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं। फिर है हमारे पास अरेक्निड्स, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे अरेक्निड्स। ये हमारे पास ऑर्थोपॉड की सब क्लास है जिसमें इंक्लूड होता है स्पाइडर मतलब मकड़ियाँ वगैरह और स्कॉर्पियंस बिच्छू वगैरह। ठीक है, आगे आता है हमारे पास क्रस्टेशियंस, ठीक है, इसको भी प्रोनाउंस करेंगे क्रस्टेशियंस जिसमें क्रैब्स और लॉबस्टर्स होता है। मैं आपको बताती हूँ क्रैब्स और लॉबस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास लॉबस्टर और ये है हमारे पास क्रैब। ठीक है, इनको हम कहते हैं ये ऑर्थोपॉड की सब क्लास क्रस्टेशियन से बिलोंग करते हैं। और आगे आ जाता है सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स में आपको दिखाती हूँ। सो हेयर इज मिलीपीड एंड दिस इज सेंटीपीड। यू हैव सेवरली सॉ दीज काइंड ऑफ इंसेक्ट्स इन योर होम और समवेयर एल्स। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा फीड्स की वजह से, ठीक है, इसको मिलीपीड कहते हैं और इसको सेंटीपीड कहते हैं। दिस इज़ अ क्लास ऑफ ऑर्थोपॉड। मैंने आपको पहले बताया कि इंसेक्ट्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो कि पहला पार्ट जिसमें उसका आता है हेड पोर्शन, जहाँ पर उसके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटीनास होते हैं। फिर उसके पास आता है नेक का पोर्शन जिसको हम थॉरेक्स भी कहते हैं, और उसके पास उसका एब्डोमिनल पोर्शन जहाँ पर 6 लेग्स होती हैं, मतलब 3 पेयर्स में उसकी 6 लेग्स होती हैं विद एब्डोमन और थॉरिक्स पॉड के साथ वो अटैच होती हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दी। ग्रास ऊपर भी एक एग्जांपल है, मॉस्कीटोज भी एग्जांपल है। यहाँ पर मॉस्कीटोज के बारे में एक फैक्ट दिया गया है कि ये वो डेडली इंसेक्ट है। मॉस्कीटो इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट इंसेक्ट जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ओके, जो मैंने आपको बताया था लॉबस्टर्स और क्रैब्स, मोस्टली पीपल इन अराउंड द वर्ल्ड हैव ईटन दैम, उसको हम खाते भी हैं, लोग खाते भी हैं, यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को खाने में भी। और इसी तरह और जो बाकी हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स की क्लास है जिसमें एक हमारे पास आती है मोलस्कस की, तो इसमें हमारे पास आते हैं ऑयस्टर्स आते हैं, स्नेल्स, ऑक्टोपस एंड क्लाम्स। तो ये हमारे पास वो इंसेक्ट्स की टाइप है, सॉरी इन्वर्टिब्रेट की क्लास है जिनको लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं अदर कंट्रीज़ में इनको एज अ फूड। ठीक है, तो ये वाटरी और सम हाउ लैंड एनिमल्स भी हैं। ठीक है, इनमें कुछ काइंड ऐसी होती है मोलस्कस की जो ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे ये हमारे पास स्नेल है। ठीक है, हेयर इज़ द नेक्स्ट क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जेस। दिस क्लास इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। कहता है कि स्पॉन्जेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल। ये एनिमल की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई भी इसमें मसल्स नहीं है जैसे ह्यूमंस की बॉडी में या जैसे वर्टिब्रेट्स की बॉडी में होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स पढ़े थे। तो ये हमारे पास स्पॉन्जेस की वो क्लास है, इन्वर्टिब्रेट की वो क्लास है जिसमें कोई भी मसल्स नहीं है, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बल्कि ये समंदर का जो फ्लोर होता है मतलब जो उसका तय होती है सबसे नीचे, वहाँ पर ये ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ये अपनी खुराक खुद जाके ढूंढेंगे नहीं, बल्कि समंदर के पानी में फ्लो करते हुए अगर कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं या कोई इसी तरह जो है वो कोई भी फूड इनको आता है तो वो इनके होल्स में से गुजरता है जिसको ये इजीली ईटन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टिब्रेट की क्लास है जो है वॉर्म्स। वॉर्म्स
कीड़ों को भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो इंसेक्ट्स भी कीड़ों को बोलते हैं, लेकिन ये वर्म्स जो रींगने वाले कीड़े होते हैं, जैसे हमारे पास बारिश के बाद आ जाते हैं, अर्थ फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास वॉर्म्स की एक इन्वर्टिब्रेट की क्लास है, जो कि इसमें हमारे पास सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स हैं और राउंड वॉर्म्स हैं, मतलब वॉर्म्स की टाइप है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जैसे बारिश के बाद आप अक्सर देखते हैं अर्थ वॉर्म्स, तो वो भी ये वॉर्म की क्लास से ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे इन्वर्टिब्रेट की क्लास है वो है इकाइनोडर्म्स, ये भी समंदर में रहते हैं, और स्टार फिश और सी ऑर्चन इसकी एग्जांपल हैं। काफ़ी ज़्यादा और भी एग्जांपल्स हैं और इस क्लास को कहते हैं इकाइनोडर्म्स। लास्टली हमारे पास जो इन्वर्टिब्रेट की क्लास है वो है नाइडेरियन, सी साइलेंट है, ये भी वाटरी एनिमल्स हैं, और एक इसकी एग्जाम्पल है जेली फिश, ठीक है। यहाँ पर जेलीफिश की बॉडी को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि बैक लाइक इसकी बॉडी होती है और जिसकी इसकी टेंटिकल्स होते हैं, मतलब इसकी छोटी छोटी, जैसे ऑक्टोपस की बॉडी के साथ होते हैं वैसे इसकी टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। जेलीफिश ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, और कॉरल्स, ठीक है, ये भी नाइडेरियन की फॉर्म है। और मैंने आपको अभी फैक्ट बताया कि ये जो है वो डेडलीस्ट एनिमल है और हार्मफुल है हमारे लिए, तो वो फैक्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ था। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। होप यू अंडरस्टैंड देम वेल। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।